नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 7वीं की, हमारा पर्यावरण के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं उसमें अभी तक हम लोग आपके 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये आपका 5वां चैप्टर है, जल। हमें बात करनी है जल के बारे में। तो जल, जैसे ही हमारे दिमाग में जल शब्द आता है या पानी शब्द आता है, तो कई तरह के विचार चलने लगते हैं। नदी, समुद्र, कुआं, तालाब। जल की बारी भाषा उस तरह से आप लोग लगा सकते हैं, महत्व, जल का महत्व हमारी जिंदगी में उस तरह से है कि एक इंसान की कीमत कुछ नहीं है इस समय। तत्काल टाइम की बात कर रहा हूं कि अगर इंसान की पद पावर की कदर है इस समय, इसी तरह जल की। अगर देखिए, जल समुद्र में 70% के करीब, लगभग 70% जल है हमारी पृथ्वी पर। 30% में हमारी पृथ्वी, हम लोग रहते हैं, स्थल मंडल है, जल मंडल है आपका 70%। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पानी की कमी है। क्यों? क्योंकि हमें जो उपयोग करना है पानी, वो हमारे पास उतना पानी नहीं है। समझ रहे? पानी तो पर्याप्त है, लेकिन उतना पानी नहीं है जितना हमें जो हमें उपयोग करना है। अब आप लोग खारे पानी से नहा थोड़ी सकते हैं, खारे पानी से आप लोग प्यास थोड़ी मिटा सकते हैं। आप लोगों को तो स्वच्छ जल चाहिए ना, तो वो उसकी बहुत सीमित मात्रा है हमारे पास। इसी तरह देखिए आप लोग, अब कहीं गंदे नाले में पानी बहाया आप, तो उसे आप लोग यूज थोड़ी कर सकते हैं, नहीं ना। इसी तरह इंसान होता है। अब इंसान की कुछ कदर नहीं है, अगर उसके पास पावर नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अगर वो अच्छी पावर पर है या पद पर है किसी पर, तो उसी की इज्जत होती है। तो मुझे इस टाइम जल और एक इंसान की पावर दोनों बराबर लगते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। थल साला या छोटे घर के पौधे रखने का किंतिम अहाता होता है। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा में भरे गड्ढों में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है आखिर? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा साहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस विक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जलचक्र कहते हैं। जिस तरह आपकी घड़ी की सुई होती है कि वो कहीं अपने स्थान से हटती नहीं है, अपने चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, इसी तरह जल का हमारा सिस्टम है कि जल घट या बढ़ नहीं रहा है। जल की जितनी मात्रा है उतनी ही मात्रा है, बस वो अपने रूपों में परिवर्तित होके चलता रहता है। अब यहाँ देखिए चित्र में, ये आपका कहीं से जमा जल हो गया, नदी हो, फिर कहीं से आ रहा हो नाली से, यहाँ आया, वाष्पीकरण द्वारा बादल बने, बादल फिर वर्षण में परिवर्तित हुए, नदी नाली से इस तरह फिर वापसी आ गया जल, फिर ये वाष्पीकरण से उड़ेगा और बादल बनेंगे। ठीक है, इसी तरह प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे पृथ्वी जल थल साला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता है बहता हो। आलवड़, जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, स्रोत, हिमनद आदि हैं। महासागरों एवं समुद्र जल का जो जल है वो लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। ये है आपका थलसाला। एक बड़े जार के चौथाई भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल का फुहार छिड़क के जार को बंद कर दें।
पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। समझ में आए? ये आपका एक मानचित्र है, मोटे मोटे तौर पर पृथ्वी का दर्शन है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये आपका अंटार्कटिका है, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये आपका आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। देखिए पृथ्वी गोल है बिल्कुल। अब यहाँ देख लीजिए, प्रशांत महासागर यहाँ भी है आपका और प्रशांत महासागर यहाँ भी है, क्योंकि मिल जाता है गोल में। ये आपकी दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी है, ये आपका कैस्पियन सागर हो गया, मिसिसिपी नदी है, साल्ट सिटी, लेक सिटी, ह्यूरन झील, सुपियर झील, विनीपेग झील, ये सभी आपकी उत्तरी अमेरिका की वासी है। ग्रेट सेल्वे स्लेव झील, ग्रेट बियर झील हो गई, नाइजर नदी, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, विक्टोरिया झील, नील नदी, ये आपकी सब है अफ्रीका महाद्वीप। भूमध्य सागर हो गया है, लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, ह्योंगी नदी ये चीन के पास है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी ये भारत के पास है, अरब सागर भारत के पास में ही है, बंगाल की खाड़ी ये आपका दक्षिण चीन सागर है। इसी को लेकर विवाद चलता रहता है, चर्चा में रहता है हमेशा। ये पूर्वी चीन सागर, कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया के पास, डार्लिंग नदी ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में, एक मोटा मोटा मानचित्र है। अब बात करते हैं लवणता। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की जो मात्रा होती उसे हम लोग लवणता, लवण कह लेते हैं। महासागरों की औसत लवणता 35/1000 ग्राम है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर जल की अपेक्षा, थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या कुछ पृथ्वी का मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल के वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब देखिए, महासागर में आपका 97.3% भरा हुआ है, बर्फ छत तक 0.02% है। अब कितना हो गया बर्फ आपका, हो गया ये 99%, ठीक है, 99.3%। भूमिगत जल 0.68%, झीलों का आलवण जल 0.009%, नमकीन झील 0.009%, वायुमंडल 0.0019% नदियों में 0.0001%, ये हो गया आपका 100%। तो इसमें हम लोग 99%, जो 99.3% है इसे तो हाथ ही नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जो बाकी भूमिगत जल है इसका उपयोग कर सकते हैं। मोटे तौर पर कह लीजिए 1% भी से कम भी हमारे पास है उपयोगी जल हमारे लिए जो उपलब्ध है। इजराइल के मिरिस सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें फैलाव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। 2 लीटर जल लें, मान लें कि यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल में लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यह लवणीय या नमक युक्त जल है। कटोरे में निकाला गया जो जल था 12 चम्मच, यह जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण आलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं भी देख सकते हैं कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, 2 लीटर में हम लोग केवल 12 चम्मच जल उपयोग कर सकते हैं। ये आपका चित्र बना हुआ है, 9 चम्मच बर्फ छत्तर, 2 चम्मच, ठीक है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है।
और कौन जल बिना नमक वाला, कभी पी कर देखिए आप लोग नमक वाला जल, उससे प्यास नहीं बुझती हमारी। ऐसे में आपको क्या ऐसा लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? बात करते हैं महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध, लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। आपको याद रखना है कि 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए, जल का महत्व बताने के लिए। बात करते हैं तरंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब आप महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इसे हम लोग तरंगें कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवने बहती हैं तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवने बहती हैं तरंगें ही उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। ठीक है, आपकी तरंग का चित्र बना हुआ है। फिर आपका तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश होता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे हम लोग सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे के से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट आपका जो है वो डूब गया था। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो सुनामी आई हुई थी 2004 में उसके बारे में। छब्बीस दिसंबर को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिनका आदि केंद्र आपका सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हुई। इस कारण भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों में जल हटने लगा। भारतीय प्लेट की बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा पर ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था वो पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई।
समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे इस सुनामी से। यह पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावना चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की क्षति अत्यधिक क्षति हुई है। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है, फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े जो दर्शकों की मृत्यु हो गई थी, जो इस तमाशे को देखने गए हुए थे वो वर्षमाट उनकी मृत्यु हुई थी इस घटना में। फिर आपका ज्वारभाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना ज्वारभाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डूबे देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम लोग भाटा कहते हैं। लघु ज्वार, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार और भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों इस तरह से तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं हम लोग। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी आपके सहायक होते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानीय स्थानों पर ज्वार भाटे से कुछ होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। फिर आपकी महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या फिर निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लिब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं हैं, ठंडी जल धाराएं, जबकि गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ आपके उदाहरण हैं।
जहाँ जल गर्म एवं जल ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां कोहरे वाले मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये आपकी गर्म दल जलधाराएं हो गई, ये शीत, ठीक, जो रेड लाल रंग की है आपकी गर्म जलधाराएं, और नीले रंग की आपकी ठंडी जलधाराएं, जैसे आपकी अलास्का कैसी है, गर्म जलधारा। सबसे पहले याद रखिए आपकी उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। यही आपकी कैलिफोर्निया की जलधारा है, ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट पेरू जलधारा ठंडी जलधारा है। फाल्कलैंड ये भी ठंडी जलधारा है आपकी। गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म जलधारा है। लिब्राडोर आपकी ठंडी जलधारा है। वेने जोएला आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। ओब्लास्ट धारा ये आपकी गर्म है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ये भी आपकी ठंडी है। क्यूरोसियो जलधारा ये आपकी गर्म है। आयोसियो धारा ये आपकी ठंडी, ठीक है, देख लेना है। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगा लेना, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से एक बार मन से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि 90 से 95% आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है आपकी बुक्स। तो यह हो गया आपका 5वां चैप्टर। 6वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में। और आपकी PDF टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक।